वालेकुम आई एम योर हिस्ट्री टीचर फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टोर हिस्ट्री क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर ऑन यूनिट नंबर फोर जिसमें हम मुस्लिम्स इन साउथ एशिया उनको डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलरली हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से साउथ एजिया में मुस्लिम राज जो है या मुस्लिम जो हैं वो आकर किस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप लिया था सो माइ डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में नॉलेज फोर पॉइंट करेंगे इन यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस द दिल्ली सल्तनत एंड इन लिस्ट इट्स वेरियस डायनेस्टीज स्लेव खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधीज सो माई डियर स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने आज पढ़ना है प्रीवियस दो लेक्चर्स में भी वन में और टू में हमने क्या डिस्कस किया था कि शहाबुद्दीन गौरी जो है और गजनवीज जो है उन्होंने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के लिए राह हमवार की थी तो आज हमने ये फेमस दिल्ली सल्तनत जो है इसको डिस्कस करना है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत दर असल है क्या तो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली सल्तनत बेसिकली दिल्ली सल्तनत जो है ये मिड इवल मुस्लिम किंगडम जो है उसका एक दौर था और इसमें कोई एक रूलर नहीं था या कोई एक डायनेस्टी नहीं थी इसमें थी इसमें डायनेस्टीज आई और ये कोई थीड इन बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम पोलिटिकल डोमिनेंस इन द नॉर्थन इंडिया सो माई डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है या हिंदू जो एक डोमिनेंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होती जा रही है क्योंकि मुसलमान जो है वो अपना रूलर मुख्तलिफ डनेस्टीज आ रही है कोई एक डायनेस्टी कॉन्टिन्यूसली हुत नहीं करे लेकिन जो मुख्तलिफ डायनेस्टीज आ रही है वो किस तरीके से हिंदू डोमिनेंस जो है वो उसको कम करती जा रही है और इस तरीके से इस्लाम का बाकायदा तौर पर साउथ एशिया के मकाम पर जो है वो स्टार्टअप हुआ था और दिल्ली सल्तनत का इसमें एक बड़ा अहम किरदार है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये तेरहवीं सदी से लेकर सोलहवीं सदी

द साउथ ये एरिया भी इनके आ, जो है वो रूल के अंडर आता था बट अंडर डिफरेंट रूलर नॉट अंडर वन रूलर मुख्तलिफ रूलर जो है उनके दौर में ये तमाम एरिया जो है दे वो अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की किस डायनेस्टी के इख्तियार में कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज जो रहे हैं वो हम उनको डिस्कस करेंगे बट ऑन द होल तमाम ये एरियाज जो है दिल्ली सल्तनत के ये दिल्ली सल्तनत के इख्तियार में थे सो द सल्तनत वॉज सेंटर्ड इन दिल्ली एंड प्लेड यानी कि इसका जो कैपिटल था वो दिल्ली था एंड सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द Uh, region's history, culture, and administration, particularly following the Muslim uh, rule or uh, uh, Muslim uh, culture, hai, usko uh, following are the dynasties that ruled Delhi Sultanate for approximately 320 years. Although टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था छोटे छोटे अदवार में मुख्तलिफ डायनेस्टीज इसके अंदर आई उनको हम तमाम की भी टाइम लाइन डिस्कस करते हैं लेकिन फिर भी इसको एक तरीके से आप गोल्डन रूल एज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर एक इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम और मुख्तलि रिफॉर्म्स जो है वो इस एरिया में इंट्रोड्यूस करवाए गए कर। सो माई डियर स्टूडेंट ये है डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत यहाँ आप देख सकते हैं ममलूक डायनेस्टी जो है इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है जिसने 1206 में आ, जो है आकर बाकायदा तौर पर यहाँ अपने रूल का आगाज किया दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया एंड इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन आ, अभी मैं आपको ये बताती चलूँ कि ममलूक डायनेस्टी ने जो गोरक डायनेस्टी है उसकी जगह आकर जो है वो रूल uh, स्टार्ट किया था उसके बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक हकूमत की तोगलुक डायनेस्टी जिसने 1320 से लेकर 1414 तक uh, वो है uh, हुकूमत की uh, सैयद डायनेस्टी जिन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक जो है वो हकूमत की फिर लोधी डायनेस्टी आ जाती है 1451 से लेके 1526 तक इन्होंने हुकूमत की एंड ऑलमोस्ट ये तकरीबन 300 320 साल का अरसा जो है वो हो जाता है जिसमें जिस तक जो है दिल्ली सल्तनत का आगाज रहा और यानी कि रूल बरकरार रहा और इसके बाद مزید और मुस्लिम रूलर्स भी आते रहे जिसमें मुगल एंपायर जो है वो इसके बाद आएगी जिसको हम आ, अपकमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिल्ली सल्तनत का और ये बात सबसे पहले आपके जहन में होनी चाहिए जब भी आपसे कोई पूछे कि बेसिकली व्हाट वाज दिल्ली सल्तनत तो ये कोई एक डायनेस्टी नहीं थी बल्कि ये रूल जो था ये मल्टीपल डायनेस्टीज का था और इसी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है और मेनली किस इलाके में था देर कैपिटल वॉज दिल्ली so for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher pause the video and quickly finish the worksheet

Lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.